ईंटों के अंदर चबदा छुपा था, यहाँ पे भी मौत आई है, यहाँ पे भी, मतलब मेरे हिसाब से शायद से बच पाएगा। हेलो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे एक बेजुबान जानवर को तकलीफ हुई है, तो हम आए यहाँ पे एक बेजुबान जानवर को निकालने के लिए, तो काफ़ी तकलीफ में है। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। दोस्तों आप देख सकते हो जैसा कि हम बड़वेली गांव में आए, लगभग हमारे यहाँ से 15 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो यहाँ पे एक सांप घुसा हुआ है जो कि कोबरा सांप है, जहरीला सांप होता है। अब दोस्तों आप देख सकते हो एक छोटी सी दीवार है, पतली सी जगह है, अब यहाँ पे कोबरा सांप घुसा हुआ है जो कि सामने ही दिखाई दे रहा है। दोस्तों इसे देखकर तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद ये, दोस्तों मुझे देख के ऐसा लगा था ये सांप ठंड में ठहर चुका था, तो पहले मैंने इसको टच करने के लिए दोस्तों इसे लकड़ी से छेड़ा ताकि ये जिंदा भी है। दोस्तों ये सांप लटक रहा था, उसके हिसाब से दोस्तों मुझे लग रहा था कि सांप की डेट हो चुकी है, पर जैसे ही टच किया दोस्तों इसने तो फन उठा दी। मैं बहुत ज़ोर से डरा हूँ दोस्तों इस सांप से, एकदम से मैं समझा था कि सांप की डेट हो चुकी है, पर अच्छा हुआ दोस्तों इसके नसीब अच्छे थे कि बच गया। फिर भी दोस्तों मैंने इस सांप को देखा है, इसकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। दोस्तों वीडियो में आखिर तक बने रहेगा और दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, सांप के बारे में नॉलेज मिले और सांपों की रेस्क्यू की वीडियो आपको देखने को मिलेगी और आपका भी मनोरंजन हो जाएगा। तो दोस्तों इस मौके से दोस्तों सांप भी बच जाता है और आपका मनोरंजन भी हो जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस सांप को दोस्तों यहाँ से किस तरह से पकड़ा जाए। दोस्तों यहाँ पे इसको पीछे जाने के लिए बिल नहीं है क्योंकि यहाँ पे फंसा हुआ है सांप, बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है, फिर भी हमने जैसे तैसे करके दोस्तों इस सांप को पकड़ा है। अब दोस्तों लगभग मुझे यहाँ पे आधा घंटा हो गया इसी सांप को पकड़ते हुए, क्योंकि ये ईंटें ऐसी जमी हुई है, डबल ईंट की जो जुड़ाई होती है उसी के अंदर ये सांप फंसा हुआ है। दोस्तों इसे काफ़ी मेहनत के बाद हमने इस सांप को सुरक्षित निकाल तो लिया, पर दोस्तों इस सांप को मैंने देखा ना तो मुझसे रहा नहीं गया, जिस तरह आपने इसकी कंडीशन देखी होगी, क्योंकि दोस्तों पता नहीं यह सांप कितने दिन से फंसा हुआ था। अगर दोस्तों लगभग अगर देखा जाए तो एक या दो दिन का होगा, इससे भी ज़्यादा होगा तो कोई कह नहीं सकते, क्योंकि जहाँ तक मैंने इस गली को देखा था तो बहुत पीछे गली थी। अब दोस्तों तब तक हम इस सांप को निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि खुदाई करनी पड़ेगी तभी जाके सांप निकलेगा, बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है। दोस्तों वीडियो को फुल वॉच करना। जैसा कि दोस्तों देख सकते हो हमने इस सांप को निकाल दिया है, क्योंकि काफ़ी समय लगा हमें निकालने में, वीडियो कट पिट करके डाला गया है। तो देख सकते हो दोस्तों इसे बहुत मात्रा में चोट लगी हुई है। अब दोस्तों आप देख सकते हो इस सांप के पेट में से पानी निकल गया, क्योंकि इसका पेट भी फूट गया है, आप देख सकते हो दोस्तों अगर आपको ध्यान से दिख रही है। दोस्तों काफ़ी गंभीर हालत में सांप है, हम इसे ट्रीटमेंट के लिए ले जाते कहीं, पर हमारे यहाँ इस सांप को कोई ट्रीटमेंट नहीं करता है और हम लोकल एरिया से बात करते हैं, हमारे यहाँ इलाज सांप का नहीं होता है। फिर भी दोस्तों मैं मेडिकल से एक ट्यूब लेके ज़रूर इसका मेडिसिन करेंगे, और हमारे घर में इसको रखने की जगह नहीं है, कुछ पिंजरा वगैरह नहीं है, तो दोस्तों अगर होता तो मैं इस सांप को दो चार दिन अपने घर में रख के इसे जब सही हो जाता इसे जंगल में रिलीज़ कर देता, पर ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं थी जो मैं इस सांप को रख सकूं। दोस्तों आप देख सकते हो इसकी क्या हालत हुई है, जो कि ईंटों के अंदर चबदा छुपा था, यहाँ पे भी मौत आई है, यहाँ पे भी, मतलब मेरे हिसाब से शायद से बच पाएगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों, फिर दोस्तों इनके खाने पीने के भी लपेटे रहते हैं, ये कोई भोजन तो करते नहीं, ये मांसाहारी सांप है, ये चूहा मेंढक छिपकली को खाते हैं, वो इनके लिए भोजन कहाँ से लेके आई। तो आप देख सकते हो इसकी हालत किस तरह से हो गई है, अब दोस्तों आप देख के समझ सकते हो दोस्तों, एक बेजुबान जानवर होता दोस्तों बोल नहीं सकता है। दोस्तों अगर ये सांप उस बिल के अंदर फंसा था तो इसने कोई कह तो नहीं दिया था कि मैं बिल के
अंदर फंस चुका हूँ, मुझे निकालो। ये तो दोस्तों योग वाली बात है, जो हम जैसे भारत में सभी स्नेक सेवर जो सांप को बचाने का काम करते हैं, नहीं तो आपको पता है लोग सांप को मारे बिना छोड़ते भी नहीं है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। तो दोस्तों हम इसके वातावरण में इस सांप को छोड़ने की कोशिश करेंगे, जितना हमसे हुआ दोस्तों वो हमने किया है। और आप देख सकते हो काफ़ी मात्रा में भीड़ लग चुकी है, फिर भी दोस्तों पहले ही वो सांप तो मरने की कंडीशन पे ही है, और लोग इसे मार देते तो अलग बात हो जाती, क्योंकि ये सांप बहुत घायल सांप है अभी दोस्तों। ये सांप ज़्यादा होश में नहीं है, और आपको पता है जब सांप काटता है तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है दोस्तों। ये सांप थोड़ा सा घायल है, जो एक्टिव नहीं हो रहा है दोस्तों। ये दोस्तों इसकी चोट मेरे से देखी नहीं गई कि इस सांप का क्या किया जाए, इसे कैसे ठीक किया जाए। दोस्तों आप देख सकते हो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और दोस्तों बेजुबान जानवरों को बचाने का काम हमारा जारी रहेगा, और जो भारत में अंधविश्वास फैला हुआ है उसे हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम अभी इस सांप को बोरी में पैक करते हैं, क्योंकि सांप को ज़्यादा परेशान करेंगे तो इससे ज़्यादा तकलीफ और होगी। ठीक है दोस्तों, हमने इस सांप को पकड़ लिया, आप इसे जंगल में छोड़ेंगे। पहले तो हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे जो कि इसे चोट लगी हुई है, और उसके बाद हम इसे जंगल में रिलीज कर देंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आती है तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो जैसा कि आप देख सकते हो, जहरीले सांप को जो लेके आया था, जिसकी दोस्तों थोड़ी हड्डियाँ वगैरह टूटी हुई है, जो कि फंस गया था, अभी मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ और इसका ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन आप देख सकते हो दोस्तों, मैं हॉस्पिटल से एक ट्यूब लेके आया था, जो कि इसे लगाने से कभी इसकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाती, ठीक है तो कोई बात ही नहीं। हालांकि ये जहरीला सांप है, हमारे इधर सांपों का हॉस्पिटल नहीं, जो कि जीव जंतु को कुछ चोट वगैरह लग जाए तो उसे ट्रीटमेंट किया जाता है। दोस्तों आप देख सकते हो, ये कोबरा सांप है, जो कि जहरीला सांप होता है, जो कि नाक के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि ब्लैक कोबरा है। दोस्तों इस सांप को मेरे घर पर लेके आया था मैं, और मैंने सोचा कि इसका थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट कर दें, ताकि ये सुरक्षित सांप महसूस करेगा। और दोस्तों मैं सोचा था कि इसको पट्टी भी कर दूँ, पर रही बात हम इस सांप को छोड़ने के लिए जंगल में जा ही रहते, तो मैंने सोचा कि पट्टी बाद में कौन खोलेगा, उससे और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, तो इसलिए हमने इस सांप को पट्टी नहीं की है। और जो सुना ही पूरी धरती तो चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे कर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, हे खुदा है कहाँ रे तू। सुना तो भटके मन को राह दिखाता है, मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, हे खुदा है कहाँ रे तू। या
तुझे ढूंढते थके मेरी ने, तुझे ढूंढते थके मेरी ने, तुझे ढूंढते थके मेरी ने, जो भी रस में है वो सारी मैं निभाता हूँ, करोड़ों की तरह मैं सर झुकाता हूँ, भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू, जंगल में से रिलीज कर देते हैं यहाँ पे। और दोस्तों इसकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, मैं इसे घर भी रख सकता था पर मेरे पास इसको रखने की जगह नहीं है, क्योंकि पिंजरा वगैरह है नहीं, इसको रखूँ कहाँ पे, नहीं तो इसको दो तीन दिन बाद ही मैं रिलीज़ करता, पर इसे हमने ट्यूब जो लगाया था अभी मैं रिलीज़ कर देता हूँ, नहीं लगाया। ठीक है दोस्तों, हम इस सांप को छोड़ रहे हैं। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आती हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि दोस्तों आपका सपोर्ट आपका प्यार रहेगा, तो हम ऐसे ही दोस्तों नए नए वीडियो देखने को आपके लिए लाते रहेंगे और सांपों की जानकारी देते रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।